बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये चिकन चॉप मसाला। ये बड़ा इजी और बड़ा मज़े का बनता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 25 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए देखते हैं जी हम ये चिकन चॉप मसाला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 किलो चिकन लिया है और हमने तकरीबन 1 किलो प्याज है हमारे पास। ये मतलब आपने इसका रेशो याद रखना है, अगर आपके पास 1 किलो चिकन हो तो आपने इसमें आधा किलो प्याज ऐड करना है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप ऑयल हमने ले लिया था और 1 केजी प्याज हमने ऐसे चॉप करके फाड़ लिया। तो इसको हमने करना है जी हल्का सा गोल्डन, बिल्कुल हल्का सा। इसको ज़्यादा हमने नहीं गोल्डन नहीं करना। तो मिलते हैं आपसे, इसको कर लें गोल्डन। अब हम इसमें कर लेते हैं 2 चम्मच नमक के ऐड जी, और इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट, ताकि हमारा प्याज थोड़ा अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं पर गोल्डन हो जाए। अच्छा, इसको 8 से 10 मिनट क्यों लगेंगे? क्योंकि ये 1 केजी प्याज है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ना गोल्डन होने में, इतनी जल्दी नहीं होना। लेकिन आपने फ्लेम थोड़ी हाई रखनी है, बिल्कुल भी हाई ना कर दें, जल जाए। लेकिन फ्लेम हाई पे इसको कुक करें तो ये थोड़ा जल्दी गोल्डन हो जाए। अब प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो गया, तो इसमें हम अब ऐड करेंगे 2 अदद हमारे पास बड़ी इलायची हैं और 3 अदद छोटी, 3 से 4 आप डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी हमारे पास काली मिर्च है, ये ऐड करनी है। इसमें तेज़ बादियान का फूल, जायफल, जवित्री कुछ नहीं जाना है इसमें, बस यही 3 चीज़ें ऐड करनी है हमने। इसको हल्का सा कर लें ज़रा फ्राई, जो हमने अभी खड़े मसाले ऐड किए हैं, और साथ ही हमने कर देना ऐड चिकन। चिकन ऐड कर लिया हमने, इसको अच्छी तरह एक बार ज़रा मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हमने इनको छोड़ देना 5 मिनट के लिए। अब इसको कर देते हैं कवर, और फिर 5 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं। अब जी हमारे 5 मिनट हो गए हैं इसको कवर करके रखे हुए। तो देख सकते हैं जी चिकन अपना अच्छी तरह कलर कर गया चेंज। तो एक बार हिला दें, और साथ ही हमने डाल देना है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड। ये हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो कर देते हैं ऐड। और इसको भी अच्छी तरह कर लेते हैं जी फ्राई। ये पेस्ट जो हमने डाला है ये अपना फ्लेवर छोड़ दे, बस इसको 2 मिनट हमने पका लेना है। क्योंकि हमारे पास ऑयल और चिकन, वैसे ही हम इसको हाई हीट में पका रहे हैं, तो ज़्यादा देर छोड़ने की, ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट बहुत है। अब इसको छोड़ते हैं ऐसे। अब लहसुन अदरक डाले हमारे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो इसमें डाल लेते हैं जी हम तकरीबन आधा चम्मच हल्दी डाली हमने। और 2 चम्मच हमने डालनी है लाल मिर्च। ये 2 केजी चिकन है, तो आपने ये याद रखना है कि ये थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। ये चिकन मसाला जो है ये स्पाइसी होगा तो मज़ा आएगा, वरना बेकार ही है। तो हमने 2 चम्मच इसमें डाली हैं जी लाल मिर्ची ऐड, और साथ ही हमारे पास तकरीबन आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इनको ज़रा कर लेते हैं जी उल्ट पुल्ट। अब हमने अपने स्पाइसी जो आपके सामने बिल्कुल थोड़े से, मतलब रेड चिली है, हल्दी पाउडर है, और बाकी हमारे पास जो हैं जो मसाले अभी बाकी हैं वो बाद में एंड में डालेंगे। अभी हमने जो चीज़ें ऐड की हैं बस इसमें यही जाएंगी और आप बिलीव करें ये माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, आप देख सकते हैं ना बिल्कुल सिंपल। तो अब हमने फ्लेम कर देनी है बिल्कुल लो और 15 से 20 मिनट आपने इसको कुक करना है, बीच में हम इसको देखते रहेंगे। सो फाइनली हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। तो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है तकरीबन 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें, ऐसे आपने साबुत डालनी है इसमें, ये साबुती अच्छी लगती है और वैसे भी हमें ये स्पाइसी चाहिए। और साथ में हमने ये हमारे पास 1 चम्मच कसूरी मेथी है, ये ऐड कर देनी है। ऊपर थोड़ा सा हमने कर देना है जी धनिया, और ये हमारे पास 1.5 अदद लीमू है, ये हमने ऐसे निचोड़ लेना है। ये ले लिए, हमारी आज डिश फाइनल हो गई है। चॉप चिकन मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी ज़रा उल्ट पुलट, ताकि जो कसूरी मेथी है, मिर्ची हैं, हमने धनिया डाला है। आप यकीन करें इतना प्यारा फ्लेवर, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा ये आप सोच ही सकते हैं, अगर कभी दिल करे ना तो आ जाए लोला, हम आपको बना कर आ देंगे। अच्छा बहुत टेस्टी ये रेसिपी है, बड़ी मज़े की, आप बिलीव करें, और बहुत ही जल्दी कुक होने वाली है ना, बिल्कुल इजी है, आसान सी रेसिपी है। तो अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट मज़ीद कवर करके रख देते हैं, ताकि जो चीज़ें हमने ऐड की हैं इनका फ्लेवर इसमें डेवलप हो जाए। तो फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं। अब हमने जी इसको 2 मिनट कुक कर लिया, जो हमने इसमें सब्ज़ मसाले ऐड किए थे। तो एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपके पास ना हो ये मेथी तो आपने क्या करना है, धनिया पाउडर 2 चम्मच इसमें डाल लेना है, या 1 चम्मच आपने साबुत ज़ीरा डालना है। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली हमारा चिकन जो मसाला रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया, तो इसका टेस्ट भी लाजवाब है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें दीजिए अपना फ़ीडबैक, और रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।